और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, दंतेवाड़ा से आ रहे, जहां पे धुलधुली मुठभेड़ में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। मुठभेड़ में 31 नहीं बल्कि 38 नक्सलियों को ढेर किया था, उनका एनकाउंटर हुआ था। मुठभेड़ में मारे गए सभी नक्सलियों की पुलिस ने की है शनाख्त। मारे गए नक्सलियों पर था 2,62,00,000 रुपए का इनाम। 4 अक्टूबर को दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर हुई थी मुठभेड़। थुलथुली नेंदूर के जंगलों में नक्सलियों के 31 शव बरामद हुए थे, लेकिन जो अपडेट निकलकर सामने आई है, 31 नहीं बल्कि 38 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था। जब 31 नक्सलियों के ढेर होने की खबर निकलकर सामने आई थी, उसके बाद से नक्सलियों के द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया था। उन्होंने कहा था कि यह आंकड़ा 35 या 36 है। अब देखिए ये बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है, ये जो नक्सलियों को ढेर किया गया था उनकी संख्या ना 31 है ना 35 है, बल्कि एग्जैक्ट फिगर 38 है। मुठभेड़ में मारे गए सभी नक्सलियों की पुलिस ने शिनाख्त की है। जिस हिसाब से मुठभेड़ हुई थी तो उस समय 31 माओवादी का शव बरामद किया गया था। इसके अतिरिक्त जैसा हमने पहले भी बताया था कि पूरी संभावना है और भी माओवादी जो मारे गए होंगे या गंभीर रूप से घायल हुए होंगे, तो टोटल उनके प्रेस स्टेटमेंट और रिकवरी के हिसाब से 38 नक्सल्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनके हमने सूचना भी जारी की है। उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, उनका पद क्या है, उनके ऊपर इनाम क्या है, लगभग 2.5 करोड़ के ऊपर इनके ऊपर इनाम घोषित है अगर पूरे 38 को देखा जाए, और भी संभावना है कि और भी नक्सली घायल होंगे। पंकज सिंह भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, नारायणपुर में जो ये एनकाउंटर हुआ था, पहले ये 31 की शिनाख्त की थी, फिर नक्सलियों के द्वारा प्रेस रिलीज आया कि 35 है, अब जो ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने आया वो 38 का है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। जी हाँ बिल्कुल, आज ही दंतेवाड़ा पुलिस ने बड़ी अपडेट दी है कि नेंदूर और थुलथुली की मुठभेड़ में 38 नक्सली मारे गए। सबसे पहले मैं बता दूं कि जवानों ने 31 नक्सलियों के शव मुठभेड़ स्थल से बरामद करके लाए थे, जिसके बाद दंतेवाड़ा पुलिस ने उनकी शिनाख्त की थी, कुछ नारायणपुर की पुलिस ने शिनाख्त की थी, और उसके बाद एक हफ्ते के बाद नक्सलियों की पूर्वी डिवीजन कमेटी ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने 35 नक्सलियों के मारे जाने की बात कही, उनके नाम भी उसमें शिनाख्ती के साथ में लिखे थे। जिसके बाद दंतेवाड़ा एसपी ने उन मारे गए 35 नक्सलियों की शिनाख्ती की लिस्ट और दंतेवाड़ा के पास जो 31 नक्सली बरामद हुए थे उनकी शिनाख्तों की लिस्ट को मिलाया तो 7 नए नक्सलियों के नाम निकले। इसलिए दंतेवाड़ा एसपी ने नाम के सहित एक नई लिस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि अब तक इस मुठभेड़ में कुल 38 नक्सली मारे गए। साथ में दंतेवाड़ा एसपी ने बताया कि ये मारे गए सभी नक्सलियों के 2,62,00,000 रुपए का इनाम था। अलग अलग मेंबर के थे, अलग अलग रैंक के नक्सली थे। मैं बता दूं कि नक्सलियों के 6 नंबर प्लाटून के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई थी और नक्सलियों की पूरी प्लाटून को जवानों ने नित्य नाबूद कर दिया था। जिसके बाद जो आंकड़ा निकला है, इसमें पुलिस ने यह भी बताया कि ये किन किन तरीके की वारदातों में शामिल थे। जैसे कि पुलिस ने उस अपने प्रेस नोट में बताया कि 16 से ज्यादा बार कैंप के हमले, 250 से ज्यादा बार पुलिस पार्टी पर हमला, 30 से ज्यादा बार एम्बुश लगा करके फायरिंग, साथ में 25 से ज्यादा आम नागरिकों को मारने जैसी घटना में ये शामिल थे। इससे यह बात साबित होती है कि नक्सलियों के बड़े कैडर को जवानों ने साफ किया और अब तक के इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में, यह सबसे बड़ी सफलता दंतेवाड़ा और नारायणपुर के पुलिस को लगी थी। जी पंकज, जो 7 नए नक्सलियों की शिनाख्त हुई है, इसमें से कोई बड़ा कमांडर या लीडर भी है नक्सलियों का जिसका एनकाउंटर हुआ है? देखिए सबसे पहले तो इसमें एक नक्सली लीडर का नाम मुरली नाम निकल के आया था, जो नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया था उसमें एक मुरली नाम निकल के आया था, जो कि पुलिस की शिनाख्त में वो नाम नहीं आ रहा था। जो पुलिस जो मुरली थे उन पर 8,00,000 का नगद इनाम था। इसी तरीके से एक नंदू का भी शिनाख्त में नाम निकल के आया, मतलब 6 नंबर प्लाटून के ये बड़े कैडर के सभी नक्सली थे। इसमें नीति मारी गई थी, ये जो कि उनकी SZT मेंबर थी, जिस पर 25,00,000 रुपए का इनाम था। इस तरीके से ये अब तक के नक्सलियों को सबसे बड़ा नुकसान है। बस्तर के इलाके में नक्सलवाद में जो ये अबूझमाड़ और थुलथुली और नेंदूर का गढ़ है, ये उनका एक आर्ट कोर और एक ऐसा इलाका पड़ता है कि जहां पर पुलिस की पहुंच अब तक नहीं थी, लेकिन पुलिस जिस आसानी से इस टास्क को कंप्लीट की और जिस आसानी से इतने गहरे पहाड़ के नीचे उतर करके और नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं जवानों की इसमें हौसला अफजाई करनी चाहिए और जवानों के जो सूचना तंत्र की मजबूती है
उसके लिए उनको सलाम करना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे जवानों को सलाम। उन्होंने अपनी जान हथेली में रखकर और इन घने जंगलों में इस एनकाउंटर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। लेकिन अब कहा यह भी जा रहा है, देखिए एक टाइम था कि नक्सलियों के कोर इलाके तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, और जहां पे एनकाउंटर हुआ है ये तो नक्सलियों का बड़ा ही प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे जवान जो है कैंप बना रहे, जवानों का कैंप बनाया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर एक आर्मी का बड़ा बेस कैंप डालने की तैयारी है, आर्मी की बड़ी ट्रेनिंग कैंप यहाँ पर बैठने की तैयारी, जिसके लिए जमीन के भी सर्वांकन हुआ था, जिसके बाद से नक्सलियों में बड़ी बौखलाहट थी, जिसके बाद नक्सली एक बड़ी रणनीति बना करके ग्रामीणों को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ कोई बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। उससे पहले जवानों को सूचना लगी और जवान अपनी पिन पॉइंट लोकेशन को लेकर के नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। मैं बता दूं कि सबसे बड़ा खेल सूचना तंत्र का है, सबसे बड़ी इस लड़ाई की जीत यह रही कि किसी भी जवान को कोई भी कैजुअल्टी नहीं उठानी पड़ी, और वहीं नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मतलब अब तक के इतिहास में नक्सलियों ने इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाया कि उनके 38 नक्सली 20 बड़े हथियारों के साथ मारे गए। हालांकि जिस तरीके से जवान एक नेंदूर और जो थुलथली का जो पहाड़ पड़ता है उससे 7 किलोमीटर के पहाड़ को चढ़ करके सीधी खड़ी पहाड़ के नीचे उतर के जिस तरीके से हम ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर किए थे, जिस तरीके से वो इलाका दिख रहा था, वहां पर दिन में पहुंच पाना मुश्किल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि जवान अब नई टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक तकनीकों से इतने ज्यादा लैस हो गए कि अब वो नक्सलवाद के जो पांव हैं वो अंदरूनी इलाकों में भी टिकने वाले नहीं है। जी तो कुल मिलाकर यहाँ पे नक्सलवाद की कमर टूट गई और जीरो कैजुअल्टी के साथ इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है हमारे सुरक्षा बलों ने। तो अब ऐसा लग रहा है कि नक्सलियों का छत्तीसगढ़ से काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।